कि खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ है तो उन्होंने कहा जी शहीद हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया, उनको फायरिंग हो गई है, कत्ल कर दिया गया। वो चोर, ये चोर, तू चोर, मैं चोर, सब चोर हो तुम लोग। तुम लोगों में से कोई भी बंदे का पुत्र नहीं है, मरना है, सब नहीं है। इन्हें मोबाइल हाथ में है लेकिन उनको ये नहीं पता कि खबर सच्ची है या झूठी है, लेकिन उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। वो तो सिर्फ इश्क मोहब्बत ही रह गया, वो समझ लग रही हो जी जिथे जिथे भैन का ब्याह होया उथे ही भैन, छोटी भैन वही बंदे ना प्यार हो गया। हुण दो भी भैणा इक्को दे मगर पईआं होईआं तां उथे की स्यापा नहीं पैणा ते की पैणा, उथे ओह जा रहा ही प्या होया। हमारा मुआशरा मुकम्मल तौर पे वो अच्छी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया के कुछ लोग हैं जो इस्लाम के बारे में ना मतलब के गलत न्यूज देते हैं, वो इस तरह ये अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी हॉस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी फेक न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी जिसको सुन के आप खुद भी परेशान हो जाते हैं। स्पेशली फेसबुक और यूट्यूब का थंबनेल इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि लोग उस पर क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। तो नाज़रीन, आज मैं यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछूंगी कि अगर डिजिटल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस है तो सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जब हमें सुनने को मिलती है तो हम खुद ही इस पर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। तो नाज़रीन, चलते हैं लोगों की तरफ, जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ लोग किस तरह कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। सर ये बताएं, आपने कभी, आपका ऐसा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर यूट्यूब फेसबुक के ऊपर जो थंबनेल होता है उसके ऊपर कोई ऐसी न्यूज़ लिखी हो जिसको देख के परेशान हो जाए, क्लिक करने पर मजबूर हो जाए और बाद में चले वो न्यूज़ ही फेक है? हाँ जी, इस तरह से कई दफ़ा हुआ है। हमने कई दफ़ा यूट्यूब जो खोलते हैं, हम डेली खोलते हैं, हम देखते हैं फेसबुक पे न्यूज़, हर किस्म की न्यूज़ देखते हैं, लेकिन उसमें फेक ज़्यादा होती है न्यूज़। जैसे कि अब इमरान खान साहब को गोली लगी थी, कहा थी वो कत्ल हो गए हैं, वो उनको गोली मार दी गई, शहीद कर दिया गया, वो भी वो झूठ निकला। न्यूज़ देखी, आप एकदम परेशान हो गए? जारी बात है, बंदा एकदम से परेशान हो जाता है जब फेक न्यूज़ चलेगी। आजकल मीडिया दौड़ा, आपको पता कि ये सब, आप व्हाट्सअप देख लें, आप टिकटॉक देख लें, किसी चीज़ को भी देख लें आप, हर बंदे क्या, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, बड़ा क्या, जवान क्या, सबके हाथ में मोबाइल होता है और हर इस नई टेक्नोलॉजी का ना इस्तेमाल हर बंदा ही करता है, हर घर में इस्तेमाल होता है, हर जगह पे इस्तेमाल होता है और लोग इसे मुस्तफीद भी होते हैं, फ़ायदे भी उठाते हैं। लेकिन जब ये फेक न्यूज़ चलती है ना तो माइंड टोटली एकदम से शॉक हो जाता है, चेंज हो जाता है, पता नहीं चलता भी ये सही है कि नहीं है। उस वह हालात एक क्लिक के खातर के लोग उस पर क्लिक कर लें, उसकी खातर किस तरह की फेक न्यूज़ सुनने को मिली? जी जिस तरह से अब ये तारक जमील साहब का था कि फलां आलम को कत्ल करवा दिया गया, ये फेक है, मान ही नहीं सकते कि उलमा ऐसा काम करेंगे, ये सोच भी सकते हैं ऐसा? वो तो हमें दीन का दर्स देते हैं, अच्छी बात बताते हैं, बुराई से रोकते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो किसी और को ऐसे करवाएं? एक न्यूज़ चली, एक न्यूज़ लोग चलाते हैं, ये जिस तरह के समझ लगे हमारे मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो ये काम करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं ये फेक न्यूज़ चलाने के, ये लोगों में हलचल मचाने के। सर कुछ यूट्यूबर्स भी इस तरह के होते हैं कि हमारा क्लिक कर ले वीडियो पे, उसके लिए कुछ ऐसे शख्सियात का नाम इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे इस्लामिक टच दिया जाता है अंदर। समटाइम आपने कोई ऐसी पोस्ट आपके पास से गुजरी है जिसके ऊपर लिखा हो इस पे अल्लाह का नाम है या फलां पे क्लिक कर यहाँ पे रहमत होगी, फलां करेंगे तो खुदा की लानत होगी? नहीं नहीं, वो भी फेक ही होता है, वो आप देखें लिखा कुछ और होता है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो उसमें कुछ और निकल आता है। कुछ ऐसी खबरें जो आपको, जैसे कि इमरान खान की आपने बताई है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपके मोबाइल से निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हैक होना शुरू हो जाते हैं, हैकिंग का सिस्टम भी चला हुआ है। अब पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें ना जो लोगों को रोज़गार फराम किया जाए ना, जो जिनकी अच्छा माइंड है, जिनका अच्छी सोच है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, और हमारे जो साइबर क्राइम होते हैं ना, ये साइबर क्राइम इसको कहा जाता है। डिजिटल मीडिया में हुकूमत रिएक्शन लेती है, सोशल मीडिया पे क्यों लेती है जिसके ऊपर खास तौर पे इस तरह की न्यूज़ें आ रही होती है? अब आपने कि इमरान खान की बताई कि इमरान खान साहब को गोलियां लगी, वो तो उन लोग तब उस वक्त बड़े चला था कि खान साहब कत्ल हो गए, और इस तरह की और कौन सी न्यूज़ें आपको सुनने को मिलती है, कोई आपके साथ इत्तेफाक हुआ हो? सबसे पहली बात तो ये है कि अदालतें क्या कर सकती हैं, अदालतें सिर्फ अपने मुल्क में जो आइन कायम है, जो कानून बने हुए हैं उस पर अमल दरामद करवा सकती है। जो बाहर की कंट्रीज हैं, अब ये व्हाट्सएप बाहर का है, अब टिकटॉक है ये बाहर का है, अभी फेसबुक है ये बाहर की है, यूट्यूब भी बाहर की है, यानी कि मल्टीनेशनल ये हैं, ये चैनल्स जो हैं ये चल रहे हैं और बाहर से भी ये काम होते हैं। ये हमारे मुल्क दुश्मन नासिर जो इस तरह के काम, यानी कि कभी हमारी पाक फौज के बारे में बयान दे देते हैं, कभी किसी वजीर के, कभी मशीर के, कभी किसी के ऊपर, यानी कि गलत किस्म का तासर पैदा करते हैं। आप बताएं आपके कौन कौन से कभी इत्तेफाक हुआ कि कौन सी न्यूज़ आपने कहा कि आपने कहा ये क्या हो गया, क्लिक किया कुछ भी नहीं या सर्च किया तो न्यूज़ आई? मैंने स्टार्ट में यही मैंने बताया था कि खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ है तो उन्होंने कहा जी शहीद हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया, उनको फायरिंग हो गई है और कत्ल कर दिया गया, तो ये हमारे लिए तो शॉकेट था, पूरी आवाम के लिए शॉकेट था, क्योंकि हमने एक जो बढ़ती हुई जो कुव्वत है पीटीआई की वो देख रही है, पूरी आवाम देख रही है, क्योंकि आवाम जो है ना 30 साल के बाद जाग गई है, सोई हुई थी वहाँ। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा का भी डिवोर्स का चल रहा है, वो भी चल रहा है, मैंने वो पिछले वीक में पढ़ी थी कि उनका जो डिवोर्स का सिलसिला चल रहा है वो भी फेक था।
इस तरह हो ही नहीं सकता। अगर उनका ऐसा मामला होता तो रीजन आपने सुनी थी जो अक्सर हमने भी देखने को जो मिल रही है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक को कह के तुम्हारा रंग सांवला है इस बात पे डिवोर्स होगी। ये ऐसे हो ही नहीं सकता। मियां बीवी में तो मजाक भी चलता है, ऐसे जोक वो तो आप एक किस्म में फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। उनके लिए कोई पैगाम, उनके लिए यही पैगाम है कि वो जितना भी वो करेंगे उनके ऊपर सब लानतानी है, पूरी कौम की लानतानी है जो ऐसा काम करते हैं, जो शरारतन भी करते हैं, जो जैसे भी करते हैं। किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, खास करके अपनी कौम की, मुस्लिम उम्मा की। इतना बता दें, हुकूमत डिजिटल मीडिया के ऊपर पूरा एक्शन लेती है न्यूज़ का, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रखती? सोशल मीडिया को लोग नहीं देखते? जी देखिए जी, सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं करते, हुकूमत को पता है कि ये एक हिस्सा है, ये एक दुनियावी हिस्सा बन गया हुआ है और इसमें लोगों को शोर भी मिलता है। देखिए आजकल सोशल मीडिया का इस तरह तेज़ी आई हुई है कि लोगों को उतना टीवी पे खबरों में नहीं पता चलता जितना सोशल मीडिया पे हकीकत का पता चल जाता है। बाज़ वाक़ ऐसे होते हैं जो आपको न्यूज़ में कटिंग करके दिखाए जाते हैं या मीडिया में कटिंग करके दिखाए जाते हैं, लेकिन वो जब सोशल मीडिया पर आप देखते हैं तो पूरे पूरे आपको दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो पूरे किसी ने लाइव किए होते हैं, उसको फीड किया होता है और उसको आगे फिर प्ले बैक कर देते हैं। वो ये चीज़ होती है। अक्सर अवकात ऐसे होता है कि हमें पूरे पूरे जो है ना वो नहीं पता चलता कि भी क्या मामलात हैं, सही हैं या गलत हैं या किस तरफ जा रहे हैं मामलात। जब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें आगाही मिलती है, हमें वो नई चीज़ सही मिलती है, पूरी सच जो है ना हमारे सामने भी आ जाता है। आप इस चीज़ को मानते हैं सोशल मीडिया पे चंक फेस जो फेक न्यूज़ वाले हैं जो थंबनेल ऐसा बनाते हैं जिसके ऊपर लाइन ऐसी लिखी होती है अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ का नाम इस्तेमाल करके, उससे सोशल मीडिया का नाम खराब हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे इतबार करना छोड़ सकते हैं। जी इसी वजह से होता है ना कि सोशल मीडिया के दुश्मन भी तो कहीं है ना। अब कईयों को नौकरी चाहिए, उनके पास टैलेंट है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते इदारे, तो फिर वो लोग इस तरह हैकिंग करते हैं, उनको तंग करते हैं, इस तरह से मामला करते हैं। ये मुल्क दुश्मन नासर होते हैं, ये बेरारवी का शिकार हुए होते हैं, अपने माइंड सेट से चलते हैं। ये इनको ये नहीं था कि ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये किसी की दिल आजारी हो रही है या किसी की दिल जोई हो रही है। आपने ये भी सुना होगा पिछले दिनों ये बड़ा चला था, फलां सियासतदान की वीडियो लीक हो गई, फलां सियासतदान बढ़ना हालत में मिला, फलां ये तो फलां वो। जी इस तरह से कई दफ़ा न्यूज़ सुनी है कि जी वो फलां जगह पे वो किसी फलां जो थी वजीर उन्होंने डांस कर दिया है। वीडियो में कुछ नहीं होता, वीडियो में कुछ नहीं होता, जब देखे तो वो हकीकत जो होती है वो सामने होती है, सच सामने होता है, वो छुपा नहीं होता किसी से। आपका नहीं ख्याल कुछ लोग सिर्फ ये पढ़ के यकीन कर लेते, वो क्लिक करें या सर्च ना भी करें उस बात को यकीन करके दिमाग में बिठा सकते हैं? जाहिर सी बात है, जब एक आपको डबल माइंड कर दिया जाएगा तो आप तो उसको चेक करेंगे भी, मैं देख लूँ तो जस्टिस पैदा हो जाता है इंसान के, तो मैं देखूँ भी ये सही है या गलत है, तो जस्टिस के सर के ऊपर ही इंसान जो है उसको क्लिक करता है, उसको देखता है, अपने सच को झूठ को सामने लाने के लिए देखता है कि हकीकत क्या है। हकीकत को देखने के लिए इंसान को देखना चाहिए। इस्लामिक टच भी दिया जाता है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस्लामी टच वो जो ना आपको बताया कि मुल्क दुश्मन नासर जो है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, जो हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना है, उनको खुशी मिलती है, उनको फ़ायदा मिलता है, उनका फ़ायदा ही होता है कि वो हुकूमत क्यों नहीं एक्शन ले ली इस पर? हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत के पास इतना टैलेंट हो या इस तरह के टैलेंटेड बंदे हों तो वो उनको पकड़ सकें। साइबर क्राइम जो है ना वो बहुत बड़ी लानत है। देखिए साइबर क्राइम के ना बहुत लोग शिकार हुए हैं। अभी हाल ही में तकरीबन 20-25 दिन पहले मेरे छोटे भाई को 4 लाख रुपये का किसी ने इसी तरह हैकिंग करके चूना लगाया, फेक कॉल आई है बाहर से, उसको सऊदीया से टेलीनोर का नंबर था। अब उसने यही समझा कि उसका दोस्त है, फेस जो पिक्चर थी ना उसके ऊपर उसके दोस्त की थी, उसने कहा जी मैं वेस्टर्न बैंक से ना आपको पैसे 5 लाख भेज रहा हूँ, तो मेरा इधर वो है, मैंने अपना काम जो ना रिव्यू करवाना है, तो मैं बंदे को ना इधर जो जिस एजेंट ने मुझे भेजा था उसके अकाउंट में पैसे लगवाने हैं। अब वो सिस्टम क्या था जी, उसने ईजी पैसा लगवाया है बैंक के थ्रू, वो इतनी बड़ी रकम आपको पता है वो इतनी समय नहीं जा सकती, इजी पैसे से भी जो है ना कैश जो है ना वो आप समय लेके 50,000 कहीं से करवा सकते हैं, 30,000 लिमिट होती है उसकी, वो आप करवा सकते। उसने 4-5 जगहों से इजी पैसा करवाया, लेकिन जब वो बाद में उसकी तह तक पहुंचा शाम तक तो उसको उसके 4 लाख रुपये से हाथ धो बैठा था बेचारा। यानी कि एक पढ़ा लिखा बंदा जो है ना ग्रेजुएट बंदा भी ना हाथ धो बैठा था। पाकिस्तान को फेक लोगों से पाक करना चाहिए। क्राइम में भी रिपोर्ट करवाई, थाने में भी करवाई, आज तक एक माह हो चला तकरीबन, 20-25 दिन हो गए हैं, एक माह के करीब हो चला है, उसका कोई शक्ल और सर निकला ही नहीं है कि हम किस पे एतबार करें, कौन सा ऐसा इदारा जो हमारी रहनुमाई करेगा, जो हमें इंसाफ दिलाएगा। अब ये इतना बड़ा 4 लाख रुपये छोटी रकम नहीं होती है, गरीब आदमी के लिए जिसने कतरा कतरा 5-5-10,000 महीने का सेविंग करके कमेटी डाल के इकट्ठा करना और उसका इस तरह से एक झटके में चला जाए, ये हमारे ऊपर लमिया फिक्री है और शर्मनाक है ये हकाइक जो है ना कि हुकूमत क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं। हमारा तो किसी भी इदारे पर ना यकीन नहीं है, सही पूछे तो। सच बात तो ये है, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ किसी भी इदारे में हमें एतबार नहीं रहा, क्योंकि हम देख रहे हर चीज़ बिकती है, ये बकाऊ माल दुनिया में हर चीज़ बिकती है, आजकल के काजी भी बिकते हैं, हर चीज़ ही बिकती है यहाँ पे, और बचपन से लेकर आज तक यही देखा है, इस आंख ने यही देखा है कि ज़मीर फरोश भी लोग हमारे दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। अब तो दौरान उनकी करोड़ों में चली गई है ज़मीर फरोश लोगों की, ज़मीर फरोश लोगों के सर पर ये घूमते चलती हैं,
वो देखें किस तरह से ज़मीन फरोशी करते हैं, हुकूमतों को गिराते भी हैं, बनाते भी हैं और उसमें दाव पेश खेलते हैं। 30 साल से एक मुल्क तरक्की कर रहा है, सोने की चिड़िया के लाता था, उसको उन्होंने कंगाल चिड़िया बना के रख दी है। हमारा रिकॉर्डक देख ले, हमारे देख ले, अगर बात करें लोगों ने कैसे लुटाए हैं इन लोगों ने, सामने हम इतना शोर नहीं रखते, लेकिन हमें पता चलता है खबरें, हमें ये नहीं पता कितना रिकॉर्डक में से इन्होंने सोना निकाल लिया है, चीजें निकाल ली है, इनको ठेके दिए इन्होंने, ये नामाकुल नालायक लोग बैठे हुए आज तक घूमते कर रहे हैं, इनमें कोई भी काम का बंदा नहीं। जो काम का बंदा होता है ना वो पाकिस्तान में कत्ल करवा दिया जाता है। लियाकत अली खान साहब का देख ले, कत्ल हुआ था, आज तक ये नहीं पता चला। लेकिन वो लेकिन मैं आपसे एक बात, जिसने आके गोली मारी बड़े मजमे में, वो कैसे आ गया, इदारे क्या कर रहे थे? वो जो पठान था उस वक्त मौजूद, वो दो पठान थे जिन्होंने पश्तों में बात की थी कि इसको मार दो, इसको मार दो, उसने फायरिंग कर दिया। मैंने वो तारीख पढ़ी है, नेट भी पढ़ी है, मीडिया भी पढ़ी है, वो जो खबरें होती है ना पुरानी, जितनी लोग हम जैसे लोग जो ना मीडिया भी उसका सहारा लेते हैं कि हकायक क्या थे, पाकिस्तानी तारीख, पाकिस्तान की हमारी तारीख क्या है, हमने क्या अपने बच्चों को जेवर देना है, उनको क्या सिखाना है, क्या बताना है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, हमने अपने बच्चों को चेहरे दिखाने हैं, और ये वही चेहरे हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, बाप बेटा, बेटा आगे बेटा। पूरी दुनिया को ये बरतानिया नहीं है जिसमें शहजादे चलेगा, विलियम ही चलेगा, शहजादी डियाना ही चलेगी, ये नस्ल दर चलने वाला काम नहीं है। इसमें हर बंदे को आना चाहिए जो कौम के मफाद में हो, मुसलमान के, पाकिस्तान के मफाद में हो। खुदारा छोड़ दे मुल्क का खेड़ा लूटना, छोड़ दे वो चोर, ये चोर, तू चोर, मैं चोर, सब चोर हो तुम लोग। तुम लोगों में से कोई भी बंदे का पुत्र नहीं है, मरना सब ने है। 60 साल 70 साल जिंदगी है, बोनस है इसके ऊपर, खून बदलवा लो, इलाज करवा लो, तुम लोगों भी मौत आनी है और बड़ी जिल्लत अमेज आनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हसन। अली हसन क्या करते हो? स्टडी भी कर रहा हूँ, साथ जॉब वगैरह भी कर रहा हूँ। अली हसन ये बताओ, कभी आपके पास ऐसे इत्तेफाक हुआ, आपने सोशल मीडिया खोला और कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली जिसको देखकर आप एकदम परेशान हो, उस पर क्लिक करते हो, देखते हो वैसी न्यूज़ आई? अक्सर ऐसा होता है, फेक चीज़ें तो आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन हो रही हैं, ट्रेंडिंग वगैरह पे हैशटैग वगैरह इंक्लूड करके वो कुछ भी जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसका ट्रेंड लगा देते हैं हैशटैग में ताकि उसके व्यूज़ वगैरह मिलें। ये चीज़ गलत है, वैसे टाइम वेस्टिंग वाली बात है। एक क्लिक के खाते के लोग इस पर क्लिक कर ले, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ के नाम अंदर लिए जाते हैं, ये इस्लामिक टच लगाया जाता है जिससे लोग क्लिक कर ले, तो क्या ये ठीक है आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, आप फेक चीज़ दिखा रहे हो, धोखा देने वाली बात है, जस्ट किसके लिए, एक व्यूज़ हासिल करने के लिए, लोगों को माइल करने के लिए गलत चीज़ की तरफ, ये गलत बात है। वैसे कभी आपके साथ ऐसे इत्तेफाक हुआ हो, आप ये न्यूज़ सुन रहे हैं, आपको ये क्या है, एकदम देख के परेशान हो गए और फिर उसपे क्लिक करे तो कहेंगे ये मतलब कि? अक्सर व्हाट्सएप वगैरह पे काफ़ी कंटेंट वगैरह आए थे कि व्हाट्सएप वगैरह पे ये प्राइवेसी वगैरह लगी है, जो ट्रेंडिंग पे भी रहा था, व्हाट्सएप वगैरह वाला सीन हुआ था, वो चीज़ जब मैंने अपने किसी बड़े को सेंड की, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फ्रेंड वगैरह थे टेक्नोलॉजी में, उसको मैंने दिखाया गया तो उन्होंने कहा नहीं फेक है, और करेंसी के लिहाज से, क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से जो होता है वो भी ज़्यादा फेक चीज़ें हैं। आजकल जो बहुत ज़्यादा फेक चीज़ आ रही है वो जो डिजिटल मार्केटिंग है ना उस पर बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें आ रही हैं। आप अपने पैसे सेंड करते हो, टाइम देते हो, लेकिन वो आपको बाद में कुछ और पता चलता है कि आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग मैंने देखी है ये जो चीज़ें। ये बताएं हुकूमत डिजिटल जो न्यूज़ है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करती है, उस पर कोई ऐसी न्यूज़ फेक नहीं आती, उस पर ध्यान रखती, चेक एंड बैलेंस है, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं, क्योंकि क्या सोशल मीडिया लोग देखते नहीं हैं? सोशल मीडिया को ना इन्होंने फ्रीडम बना लिया हुआ, जैसे कि मैं कुछ भी पोस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी है, मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ, हालांकि इस पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि आपको एक लिमिट के अंदर, अगर आप किसी को अब्यूज़ भी कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हो, पर्सनल हो जाते हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, एक लिमिट्स होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए कि आप इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ें, और ये चीज़ हुकूमत को देखनी भी चाहिए कि हमारे जो हमने लोगों को दिया है वो उसके अंदर रह के उस चीज़ को इस्तेमाल करें, बाउंड्रीज दें कि आप अगर किसी पे रिलीजन पे बात ना करें, सारों की अपना अपना मजहब है उस पे बात ना करें। एक न्यूज़ चल रही थी जिसके अंदर लिखा हुआ था तारिक जमील साहब जो है कपिल शर्मा शो में गए हैं, उसके अलावा तारिक जमील साहब ने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करा दिया, और एक और जिसने सुनने को मिली थी कि बुशरा बीबी जो है वो मॉडलिंग शो में जाने लगी हैं, उनसे उनका ताल्लुक है, तो इन लोगों के लिए क्या ख्याल जो इस तरह की बातें लिख रहे हैं? ये बेवकूफ़ ऑडियंस को ना माइल करने की चीज़ें, बस जो वहाँ पढ़ी लिखी नहीं है ना इतना ज़्यादा, या जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, क्या ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वहाँ से व्यूज़ हासिल करते हैं, ट्रेंडिंग वगैरह पे लगा देंगे, ऑडियंस गेन करेंगे कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे मिलें, उस तरफ जाने की तरफ, फॉलोअर्स की तरफ ये करते हैं, फेक चीज़ें बनाते हैं, हालाँकि गलत है। आप उस चीज़ की तरफ अगर आपको फॉलोअर्स मिल भी जाएंगे तो जायज़ नहीं होंगे, कभी ना कभी आपके फॉलोअर्स वो टूट जाने, सच तो सामने आ ही जाता होता है।
बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन इनसे बात की, इन्होंने बहुत से फैक्ट्स आगे रखे और बहुत सी ऐसी बातें की जिससे अंदाज़ा होता है कि ये लोग उन अवाम को पागल बनाते हैं जो रिसर्च नहीं करते चीज़ों पर, और बाद में ये इनके व्यूज़ तो उनसे आ जाते हैं लेकिन बाद में इनके यही फॉलोअर्स टूट भी जाते हैं। नाज़रीन वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, जहाँ से आपने ख़त्म किया वहीं से शुरू करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? माजिद। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? जी। कितना? काफ़ी। कभी ऐसा हुआ कि आप सोशल मीडिया ओपन की ऐसी न्यूज़ मिली है, आपने कहा है ये क्या हुआ, क्लिक किया तो उसमें ऐसी न्यूज़ देनी थी? अक्सर सुनते हैं ना, जैसे इंडिया के कोई एक्टर हैं उनका जी पता लगता है जी वो फोत हो गया है, मतलब कि उनका मतलब कि बता देते हैं कि जो मर गया है, और बाद में पता चलता है जब तस्दीक करते हैं तो जी पता चलता है नहीं ये फेक न्यूज़ है। ऐसे मतलब कि फेक न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, कई लोग ना मतलब कि किसी का इमेज भी ख़राब होता है। अभी कुछ पर्सनैलिटीज़ का भी इस्तेमाल किया था, जैसे कि तारक जमील साहब का इस्तेमाल किया गया था कि वो कपिल शर्मा शो में गए हैं। जी जी बिल्कुल। उन्होंने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल कराया क्योंकि वो इस्लाम के नाम पे कुछ भी, यानी कि इस्लामिक टच लगा के पर्सनैलिटीज़ का इस्तेमाल करके। नहीं ये अच्छी बात नहीं है, इस्लामिक टच लगा के अपने जो भी है मतलब कि जो सही न्यूज़ है वो देनी चाहिए। इस तरह लोगों का मैं वही बात कर रहा हूँ कि इस्लाम का भी इमेज ख़राब करते हैं कुछ लोग, क्योंकि इंडिया के कुछ लोग हैं जो इस्लाम के बारे में ना मतलब कि गलत न्यूज़ देते हैं, वो इस तरह ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम भी अगर उनके दीन की दें तो वो फिर गलत बात हो जाती है, फिर एक दूसरे के वो गलत कमेंट होते हैं फिर इस चीज़ पे। और बाकी जो अभी एक सुना है जी सानिया मिर्ज़ा के बारे में जी, कि उनकी ना आपस में डिवोर्स हो रही है, तो ये भी अब तस्दीक किया है तो ये गलत निकला है ये चीज़ है। हाँ जी ये मतलब कि ये चीज़ सियालकोट की क्या बात कर रहे हैं? वो छोड़ें जी उनको, सियालकोट की वो सियालकोट की भी बड़ी फेक न्यूज़ आती है ना, जैसे कि अभी वो सुना होगा आपने जो हादसा हुआ था वहाँ पे, जो एक क्या कहते हैं कंपनी का मैनेजर था जिसे मार दिया था, उसके बारे में भी कई फेक न्यूज़ सुनी थी। तो नहीं ऐसी कोई गलत फेक न्यूज़ नहीं देनी चाहिए गवर्नमेंट को। क्या फेक न्यूज़ सुनने को मिली थी उनके बारे में? उसके बारे में यही पता चला था कि जी वो इस्लाम के बारे में उसने गलत बोला है। हाँ और बाद में पता चला कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, और ये वैसे ही कोई उनके आपस की कोई दुश्मनी थी जो उन्होंने निकाली है बस। जैसे कि वो लोग जो एक तो वो लोग हो गए ना जो फेक न्यूज़ लिखते हैं सिर्फ एक क्लिक की खातिर कि लोग उस पर क्लिक कर ले अट्रैक्ट हो। जी जी बिल्कुल। और एक वो लोग जो क्लिक करने से पहले कहते हैं हाँ ये वाकई है हो गया, तस्दीक भी नहीं करता आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ये गलत चीज़ है। पता है क्या बात है, कुछ अपने नंबर बनाने के लिए ना फेक न्यूज़ जोड़ते हैं इसमें सोशल मीडिया में, तो वो शायद उनके ज्यादा नंबर बन जाते, लोग जितना देखते हैं उनके पॉइंट ज्यादा बन जाते, जो देख के यकीन कर लेते हैं विदाउट तस्दीक, वो भी गलत चीज़ है। पहले तस्दीक करनी चाहिए फिर उस पर यकीन करना चाहिए, ये मैं कहता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। सानिया मिर्ज़ा के डिवोर्स की खबर आ रही है कि अब लोग कह रहे हो गई, एक खबर पता चल रही है तस्दीक नहीं है और कह रहे डिवोर्स हो गई। मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया से अच्छा ना फिर बंदा न्यूज़ पे सुन ले, वो वहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है। ज़्यादातर लोग जो है वो अब सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं उसको, क्योंकि वो एक हैंड में आपके मोबाइल होता है जो अवेलेबल होता है, आधा सोशल मीडिया में आधा सच होता है आधे से ज्यादा झूठ होता है। इसका कसूर आपको किसको ठहराएंगे? ये तो मैं ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट को इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए जो फेक मतलब छोड़ते हैं सोशल मीडिया में। बल्कि कुछ लोग अब इंडिया के हैं जो हमारे पाकिस्तान का इमेज ख़राब करते हैं फेक न्यूज़ छोड़ के, और इंडिया जो है ना वो चाइना को भी मतलब कि ना बदनाम करने के लिए फेक न्यूज़ छोड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। हुकूमत ने डिजिटल मीडिया में कुछ चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है जी, सोशल मीडिया में क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस रखते अगर डिजिटल मीडिया पे रख सकते हैं? मेरी समझ से बाहर है कि इधर भी होना चाहिए ना, क्योंकि अब देखेंगे पूरी दुनिया में वो खबर सुनी जाती है, तो इस बारे में अब ये तो फिर इनको ही देखना चाहिए ना, यूट्यूब वालों को जो जिनके चैनल है उनको देखना चाहिए इस चीज़ के बारे में, और ये जो गलत जो फेक न्यूज़ होती है उसे डिलीट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ये बताओ सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हैं? काफ़ी यूज़ करता हूँ, मेरा डेली का यूज़ होता है इस पर। अच्छा कभी आपके साथ ऐसे हुआ कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो एक ऐसा थंबनेल यूट्यूब का बनाया है जिसको देख के आप क्लिक करने पे मजबूर हो गए हैं? हाँ काफ़ी बार ऐसा होता है। तो वो है नहीं न्यूज़? हाँ ऐसे ही होता है, मोबाइल हैंग हो जाता है। हाँ जी ऐसे काफ़ी होता है। ऐसी एग्जाम्पल आपके सामने आपके यार ये क्या है बताओ? अक्सर YouTube पे ऐसा होता है कि थंबनेल्स वगैरह पे वो आपको कुछ और दिखा रहे होते हैं, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसे व्यूज गैदर करने के लिए उसके लिए होता है। तो ऐसी न्यूज़ आप शेयर करेंगे जो आपने याद हो कि यार मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या निकला?
अभी रिसेंटली जब इमरान खान को अनफॉर्चुनेटली वो शॉट हुए थे तो उस पर काफ़ी आई थी कि इमरान खान की डेथ हो गई है या इमरान खान सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इमरान खान उधर नहीं जाए, तो ऐसी काफ़ी न्यूज़ आई थी वो मैंने देखी नहीं, वो फेक थी मल बजेस। अच्छा कभी ऐसे न्यूज़ सुनने को मिली ब्लावर भुट्टो की शादी हो गई? हाँ कभी कभार इतनी भी आ जाती है, इतनी रिडिकुलस वाली भी आ जाती है। अच्छा ये रिसेंटली सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक के बारे में भी कहा जा रहा है? नहीं इसका मुझे नहीं पता। अच्छा आप ये फेक न्यूज़ देखते हैं, आप इस पर क्लिक करते हैं या आप समटाइम थंबनेल लेके कहते हैं अच्छा आगे? अब पहले काफ़ी होता था बट अब वो एक किस्म की आदत सी होना शुरू हो गई है कि इग्नोर करने की, यार ये न्यूज़ इग्नोर करने में। हाँ वो पता चल जाता है कि कोई चीज़ ज़्यादा फेक है और कौन सी चीज़ रियल है, तो अब कम हो ही जा रहा है। अच्छा आपको लगता है कि सोशल मीडिया में इस लोग जो इस तरह के फेक थंबनेल बनाते हैं, जिस लोग क्लिक कर लें, गलत लोगों को गुमराह करते हैं, तो इससे सोशल मीडिया का जो इमेज है काफ़ी ख़राब भी हो रहा है? लोग सोशल मीडिया पे कई न्यूज़ पे दबाड़ भी नहीं करते? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लोग अक्सर गलत चीज़ें बिलीव भी कर लेते हैं क्योंकि हमारी काफ़ी लोग हैं जो बिलीव कर लेते हैं जो वो देखते हैं और फिर वो बाकियों को भी यही हाँ फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो उससे सोसाइटी में एक बहुत लाइक गलत आइडियाज़ वगैरह फैल सकते हैं। अच्छा वो लोगों के लिए कोई पैगाम जो न्यूज़ देखते साथ ही आगे फॉरवर्ड करते थे, तस्दीक भी नहीं करते हैं, ओपन भी नहीं करते लिंक? हाँ नहीं, न्यूज़ को हमेशा चेक करना चाहिए, उनकी सोर्सेज चेक करनी चाहिए कि सोर्सेज रिलायबल हैं और वो सारा कुछ है और फिर आप उनको फॉरवर्ड करें। और अच्छा ये पैन गवर्नमेंट ने डिजिटल जो मीडिया है इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं उस पर होती इतनी, कोई हो अभी तो फॉरवर्ड की तस्दीक हो जाती है, सोशल मीडिया को इतनी फ्रीडम दी हुई है लेकिन इसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है? सोशल मीडिया पे भी होती है चेक एंड बैलेंस, पर वो लोगों ने अगर आप रिपोर्ट वगैरह कर दो किसी को फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह तो फिर वो चीज़ टेकन डाउन हो जाती है, बट अक्सर लोगों को उसका भी आइडिया नहीं होता कि रिपोर्ट करनी चाहिए चीज़ें या नहीं करनी चाहिए, और लोग बस वही पढ़ के बिलीव कर लेते हैं। और ठीक है बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जी मोहम्मद शहजाद। कैसे हैं आप? जी शुक्र अलग। सर ये बताएं कभी आपके साथ सोशल मीडिया पर ऐसा इतफाक हुआ हो कि आपने कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी हो उसके बाद परेशान हो गए और जब आपने क्लिक किया वो वैसी खबर ही ना हो? ये अक्सरियत में ऐसा होता है, जैसे मिसाल है पिछले दिनों मैंने खबर पढ़ी थी कि मोदी ने इस्लाम कबूल कर लिया, अमिताभ बच्चन फोत हो गया, या और इसके अलावा इमरान साहब खान साहब को कुछ चार गोलियां लग गई हैं और नीचे जो फायरिंग हुई है वहाँ पर कुछ 16 बंदे मर गए हैं, लेकिन इस तरह की कोई खबर नहीं थी। ये आवाम को जो सा ना वो समझ लें कि उनमें इंतशार फैलाना और उनको बेवकूफ़ बनाना, तो मेरी गुजारिश है कि आवाम बेवकूफ़ बन नहीं, आवाम को तो आप जहाँ मर्जी लगा लें, इन्होंने तो उस तरफ शुरू हो जाना है, उन्होंने नहीं देखना कि ये खबर झूठी है या सच्ची है। आजकल सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के बारे में बड़ा चल रहा है। जी जी वो देखें दोनों कपल हैं तो वो खबर सारी उनकी झूठी हैं, वो माशाल्लाह दोनों खुश हैं। सर ये फेक न्यूज़ क्यों फैलाई जाती है, क्या मकसद क्या है इसके पीछे इनका? वो बस लोगों ने ना अपना फेमस होने के लिए कुछ भी कर लेते हैं लोग, कुछ अल्लाह माफ़ करे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए कोई नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, फिर उसके बाद वो जब वो लोग देखते हैं कि हमें सजा हुई है अब हम बाहर आ गए हैं, या उनको जिनको कोई नहीं जानता फिर उनको पूरी दुनिया जानती है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि इस तरह ना किया करें। समटाइम ऐसी न्यूज़ देख के इंसान परेशान भी हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। अब जैसे सानिया मिर्ज़ा की न्यूज़ हम सुन रहे हैं, परेशान हो रही क्या डिवोर्स को आम किया जा रहा है, डिवोर्स से ही मजाक है कि इस तरह खुलेआम मतलब क्या कि हर कोई मुंह पर डिवोर्स, तो एक बड़ा बुरा अल्फाज है। ये बहुत बुरा अल्फाज है, ये तो अल्लाह माफ़ करे कहना भी नहीं चाहिए, मुँह से लफ्ज़ ये निकालना नहीं चाहिए, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने के लिए वालों के लिए आपके लिए कोई पैगाम? जी मेरी उन लोगों से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि इस तरह की खबरें ना फैलाया करें, क्योंकि इससे जो सा ना एक तो माहौल बड़ा ख़राब होता है, फिर वो लोग ये समझते हैं कि ये शायद आम सी बात है, फिर उनके अपने घर में अगर आपने देखा कोई इस्लामिक टच करके भी ऐसी न्यूज़ बनाई जाती है कि लोग इमोशनली इसके साथ करें, वो इमोशनल लोगों को जो सा ना वो फिर उनके जज्बात से खेलते हैं, फिर इस तरह से मुल्क में हालात ख़राब होते हैं और फिर परेशानियाँ बढ़ती हैं, कम नहीं होती बढ़ती हैं। बाहर दूसरे मुल्कों में आप देखें कि वो इस्लाम को फॉलो करके और कितनी तरक्की की है उन्होंने, हम लोग उतना ही पीछे चले गए हैं। अच्छा सर आप
आखिर में पैगाम ये बताएं कि डिजिटल मीडिया पे फिर चेक एंड बैलेंस है, उस पर ऐसी न्यूज़ें नहीं सुनने को बहुत कम, बल्कि मिलती ही बहुत कम है, तो अगर हो भी तो उस पर चेक एंड बैलेंस है, सोशल मीडिया पे चेक एंड बैलेंस हमारी हुकूमत ने क्यों नहीं रखा? जी मेरी तो हुकूमत से भी गुजारिश है और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब से कि इस तरह की कोई खबर हो उसकी तस्दीक करें, और अगर ये सच है जो इस तरह की खबरें फैलाते हैं फिर उनको एक दो मर्द, सिर्फ एक दो बंदों को सजाएं मिल जाएंगी ना, दोबारा इंशाल्लाह ये नहीं होगा। सर आखिर में उन आवाम को भी आपका मैसेज, जो ये न्यूज़ सुन के यकीन कर लेते मजीद की रिसर्च ही नहीं करते, वो लिंक भी नहीं खोलते जी, वो देखें जिन लोगों के जितनी अकल समझ होती है ना वो सिर्फ उतनी बात करते हैं, वो उन्होंने रिसर्च नहीं करना कि यार ये आया ये खबर झूठी है सच्ची है, या एक दो दिन उसका इंतजार करें कम से कम कि यार आया खबर ठीक भी चल रही है कि नहीं, फिर वो आगे भी तो कन्वर्ट करते हैं फिर अपने फ़ोनों पर। वो देखे ना वो तो उनकी बेवकूफ़ी है ना, अब मेरे पास अगर मिसाल है मोबाइल है, मेरे पास अगर कोई खबर आई है मुझे पता चला है, मिसाल है कि सानिया मिर्ज़ा को वो कहते हैं डिवोर्स शुएब मलिक साहब देने लगे हैं, लेकिन अभी दी नहीं है, अगर मैं ये खबर आगे फैला देता हूँ तो वो फिर मेरी बेवकूफ़ी है, लोगों को भी अक्ल का। हाँ जी हाँ जी, देखे ना मोबाइल हाथ में है लेकिन उनको ये नहीं पता कि खबर सच्ची है या झूठी है, लेकिन उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो उन्होंने कहा कि यार चलें मोबाइल तो हाथ में है कुछ और नहीं तो इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। जी सर बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अगर कोई ऐसी फेक न्यूज़ सुनने को मिलती है तो इसकी तस्दीक और इसकी रिसर्च ज़रूर किया जाए फिर आगे फॉरवर्ड की जाए, और हुकूमत को चाहिए कि जहाँ पर डिजिटल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस है उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। नाज़रीन मज़ीद लोगों से बात करते हो जानते हैं वो उस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तबलोक सिंह। सरदार जी ये बताएं लाहौर से बिलोंग करते हैं कहीं और से आए शॉपिंग के लिए? नहीं हम तो बाहर से आए होंगे। किधर से? लंदन से। लंदन से, अच्छा सर ये बताएं सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हैं आप? हम तो कम यूज़ करते हैं ज़्यादा। अच्छा कभी आपके साथ ऐसा हुआ सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज़ मिली आपने कहा है ये क्या, जब आपने क्लिक किया तो अंदर वो न्यूज़ थी नहीं, गलत न्यूज़ थी? नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं, जो आपको देखा होता है वही इंसान उसी पर यकीन करना चाहिए। इतफाक सोशल मीडिया पर गलत न्यूज़ सुनने को मिल रही है और असल में ऐसा हो ना? आपने कभी लाहौर का सोशल मीडिया इस्तेमाल किया? नहीं नहीं किया, कभी नहीं किया। लंदन का किया? नहीं उधर भी काम करते हैं हम लोग क्योंकि जॉब पे बिजी रहते हैं तो। लंदन से है ना आप? हाँ। हमारा मियाँ जी नहीं आप दे रहे? हाँ? मियाँ जी नहीं आप लोग हमारा दे रहे, पकड़े गए हैं आप। अच्छा। हमारा मियाँ जी कब वापस कर रहे हैं? ये तो पता नहीं, जब वो चाहेंगे आए, हम तो कहते हैं लेके जाओ उनको। आप इनका कहना है हम तो कहते हैं लेके जाओ उनको, आप लोग हमें नहीं 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 हम तो नहीं, हम थोड़ी रोक के रखे हैं, हम जाना नहीं चाहते। इतनी वाम डेली यही दुआ करती है नून लेके कि मियाँ जी हम आ जाए, मियाँ जी को देखने के लिए बैठे हैं, लेकिन लंदन वाले छोड़ ही नहीं रहे उन्हें। वो उनको अच्छे लगते होंगे ना तभी छोड़ते नहीं है। मियाँ जी का इलाज पूरा कर रहे थे वो वापिस आए। कहते हैं ख्याल रख रहे मियाँ जी का, कब छोड़ेंगे ये तो पता नहीं, जब वो चाहेंगे आना तो हम अपने पकड़ के थोड़ी रखा है। बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करने का, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं? काम करता हूँ। काम करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल जाहिर। कितने टाइम ज़्यादा आप कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं? तकरीबन यही कोई फ्री टाइम 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पर ज़रा टाइम वेस्ट करते हैं हम अपना। अच्छा ये कभी आपके साथ ऐसा हुआ अपने सोशल मीडिया यूज़ करें एकदम ऐसी न्यूज़ आई है जिसको पढ़ के आप परेशान होंगे हाँ ये क्या हो गया, और बाद में जब क्लिक किया वैसी न्यूज़ ही नहीं थी या रिसर्च करो तो वो न्यूज़ ही नहीं होती? ऐसा तो एक दफ़ा नहीं, मेरे ख्याल में कोई 3-4 दफ़ा हो चुका है जिंदगी में 3-4 दफ़ा हो चुका है ऐसे मेरे साथ, क्योंकि मैंने एक दफ़ा रिपोर्ट ऑन की है ठीक है, तो उसमें पता चला जी शाहरुख खान साहब की डेथ हो गई है, मैं कहा है शाहरुख खान की डेथ हो गई लेकिन फिर भी सब हंस के खेल रहे हैं कैसे हो सकता है, मैंने क्लिक किया लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोग ये इस तरह की हरकत क्यों करते हैं, सोशल मीडिया पे हर चीज़ को फेक बना के पेश किया जाता है, अभी कोई मामला तो होते नहीं है जो कि सोशल मीडिया पर आपके सामने नज़र आ रहे होते हैं, और इसमें मैं ये कहता हूँ इसमें इंतशार पसंदी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया का गैर कानूनी जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना उन पर ज़रा थोड़ा सा कानून लागू करना चाहिए, उनके लिए भी कुछ रूल्स मैनेजमेंट होनी चाहिए ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे रहेगा तो हमारे पहले माशाल्लाह मुल्क के हालात अच्छे बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, हुक्मरान भी अच्छे जा रहे हैं, कहते हैं ना जी हुक्मराना ने तो आवाम का आलो कर दिया ना, दो ढगियां लड़ाई के बेचना घा का बेड़ा गर्क हो गया, असं घा बन गए हैं तो ढगे लड़ी जाते पे ने,
ठीक है जी, तो उही हिसाब हो गया हूँ फेसबुक सोशल मीडिया के बीच भी ना ढगे बनो, थोड़ी मेहरबानी जरा अच्छे तरीके से जो चीज़ इस्तेमाल। लोगों से बात करती हूँ वो कहते हैं इसमें सियासतदानों की गलती है, तो आपको लगता है इसमें सियासतदानों की ज़्यादा गलती है या लोगों की गलती है जो चंद लाइक्स के लिए चंद व्यूज़ के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हो? नहीं, मैं तो कहता हूँ जिन जैसे ये बच्चे पैदा हुए हैं ना इस तरह के, इनके माँ बाप की गलती है कि जिन्होंने इस तरह के बच्चे पैदा किए जो कि सीधा पॉजिटिव माइंड नहीं अपना इस्तेमाल करते, हर चीज़ नेगेटिविटी। और हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह पॉजिटिविटी तो बहुत कम है और नेगेटिविटी को तो मैं कहता हूँ ऐसे हर चीज़ को कॉपी करते हैं कि आपकी पॉजिटिव कोई चीज़ बताएं तो लोग इतना नहीं था कि दो लोग की लड़ाई दिखाई, लोग फौरन लोग क्लिक करके देखते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसे नेगेटिव माशाल्लाह देखना चाह रहे हैं। हमारे पास जो है ना हमारी जो मीडिया है ना उसकी आवाज़ तो अच्छी है, हमारी मीडिया हमारी आवाज़ है मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी मीडिया को भी देखते देखते जब ये छोटे बच्चे ये चीज़ों को देखते हैं ना, लड़ाई झगड़े हर वक्त दुख तकलीफ, कोई इतने बंदे इनके पास उल्टी तो 72 बंदे मर गए हैं जी, उत्थे ट्रक उल्टिया तो इट्टा साड़ियाँ डिग पईयां तो बंदे ड्राइवर मर गया बचिया कोई भी नहीं। जब जहाँ पे जिस मुल्क में आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी यानी कि मीडिया पर नज़र आएगी, पॉजिटिविटी बहुत कम नज़र आएगी, वहाँ के बच्चे क्या सीखेंगे? हमारे कल्चर में देखें, ड्रामा सीरियल आप देख लें पाकिस्तानी मीडिया में, यानी कि ऐसा है कि पाकिस्तानी कोई भी ड्रामा आप देख लेंगे ना उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई एडवाइस नहीं है, कोई अच्छी नसीहत नहीं है कि बच्चे सीख सके, वो तो सिर्फ इश्क मोहब्बत ही रह गया, वो समझ लग दी जी जिथे जिथे भैन का ब्याह होया उ भैन छोटी भैन वही बंदे प्यार हो गया, हूँ दोवीं भैन एक मगर पईया हुई तो उत्थे की स्यापा नहीं पैना तो की पैना उत्थे जा रहा ही पिया होया। हूँ आम रिलेटेड तुम देखो माशरे अपने जिथे भी देखोगे तुम इश्क मोहब्बत ही रह गया और कुछ नहीं रह गया। पाकिस्तान में यकीन माने गुरबत और ये परेशानियाँ सिर्फ इस बिना पे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं कि हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद हमें वो सेंस नहीं है, हमें ह्यूमिलिटी नहीं है कि हमने किस तरह किसी से बात करनी है, हमने किस तरह किस जगह। ये सानिया मिर्ज़ा और शेख मलिक के डिवोर्स का मसला चल रहा है, इसके अलावा अगर आपने ड्रामों की बात की, ड्रामों में भी एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें हर ड्रामे में तलाक हो रही है, लड़की तलाक लेके जा रही है, आदमी मुँह उठा के तलाक दे रहा है, लाइक तलाक तो बहुत खतरनाक चीज़ है, वो बहुत इतनी खतरनाक चीज़ है कि वो दो जिंदगियों को नहीं दो खानदानों को तबाह कर देती है। फिर इसको प्रमोट किया जा रहा है, इसको इतना आम क्यों किया जा रहा है? अच्छा देखें, जब जहाँ पे अल्लाह माफ़ करे बुरा ना मानिएगा, आप भी एक फीमेल हैं मेरे सामने खड़ी हैं, आप मेरी बात का बुरा ना मानिए, जहाँ पे एक औरत की आवाज़ ये बनेगी जी मेरा मेरी मर्जी मेरा जिस्म, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे तो औरतें देखें जी, अब छोटी सी बात है, अब मैं मेरा हूं जो ब्याह हो जाए मेरी बुढ़ी मैंने कहे जी मेरे पास फलानी चीज़ लैना, हूँ बंदा हूँ अपनी टेंशन से भुल जाए तो हूँ बुढ़ी कहे मैं तो तेना बुलानी नहीं, मैं तो तेरे को तलाक लैनी, उतु फिर की गल रुसदी तो बुढ़ी है, बंदा किसों रुसदा? बंदा तो बेचारा तरले ही करता, ताकि मेहरबानी जानू मन जाओ, अज तो मन जाओ, मैं कल लै मंगा अज मन जाओ, लेकिन वो जानू नहीं मानती ना, जानू कहती फिर की तकलीफ है तू, वो फिर तकलीफ सुना, हमेशा जानू ही रुसदी है, तो जानू ने ही मुतालबा करना कि मैं डिवोर्स लेना, ठीक है? ये जानूआ जो साड़ियाँ सही हो जाएगियाँ ना तो साडा माशरा आपस में खराब किसी हुई है, ये जानूआ खराब तद हो जाने कि साढ़े जरा ना असी वाफ यानी कि हर चीज़ उन्होंने जानवरों सिर पर चरा लिया, किमें चरा लिया जी जानू, अच्छा जानू जानू कहती लै भी है तो मेरे थले लग गए हूँ तो किधर नहीं जाना, हूँ जिमें क्लिप आपने वो क्लिप देखे ना कि माँ कहती मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है मामा जी मैं बाहर चली हूँ तो वे ना मैं दाल चूल्हे तो तरी थले ना लग जाए, कहती पुत्र मैं भी अपने पुत्र बड़ी तरीके संभाल के रखे थे लेकिन अज भी थले लग गया, तो दाल के गल थले लगनी कि नहीं लगनी, ये पुत्र भी थले लग जाते हैं तो फिर जानवर भी सिर पर चढ़ जाती है। बात यह है हमारे मुआशरे ने हमारा इस्लाम हमें हमारी औरत को पर्दे की नसीहत करता है, हमारा इस्लाम हमारी औरत को अच्छे यानी अच्छी तलकीन देता है, कुरान पढ़ने की तलकीन देता है। जब आपका मुआशरा तब अच्छा हो सकता है, आपका घर तब अच्छा हो सकता है जब आपकी बीवी आपकी माँ आपके घर की बहन वो पर्दा करे, वो नमाज पढ़े कुरान पढ़े, आगे उससे उसकी कोख में से पैदा होने वाले बच्चे भी वैसे होंगे। सर ये फेक जो फेक लोग हैं वो कहाँ से इस तरह के काम सीख रहे हैं ये भी बताए ना, फेक लोग कहाँ से सीख रहे हैं फेक न्यूज़ लोगों को ट्रैक करने के लिए? देखें जी हर किसी को शौक है एलन मस्क बनने का कि मैं एलन मस्क बन जावा, मैं जरा जी बहुत अच्छे मैं मम्मी खला ते जाना चाहना वा, ठीक है मम्मी फेक न्यूज का सहारा ले, ये फेक न्यूज़ का सहारा लेते हैं। जब भी आप देखें टिकटॉक सोशल मीडिया, इस तरह सोशल मीडिया से लोगों का दबाव नहीं खत्म हो जाएगा? छोटी सी बात बताएं, अगर एक ना बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, अगर जो है ना कि सोशल मीडिया पे मंटू जी ये टिकटॉक देख लेते ना, अगर मंटू एक राइटर है बड़ा अच्छा राइटर, अगर वो टिकटॉक देख लेता ना वो कभी ये लफ्ज ना लिखता कि औरत अपनी मजबूरी की वजह से तवाइफ बनती है, लेकिन आज आप टिकटॉक खोलेंगे टिकटॉक पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें नजर आती हैं। अच्छा हम साढ़े वगैरह मुंडा को बेचारा अपनी वीडियो सेंड कर देना 10 नहीं तो 8 लाइक आ जाते हैं, बड़े कुड़ी हूँ पोस्ट करे तो मेरे ख्याल में 10,000 लाइक आ जाते हैं, एक ही चक्कर है तो कुड़ियाँ ज़्यादा पैसा कमा रही हैं टिकटॉक तो, साढ़े हाथ जो अज तक एंड्रॉयड मोबाइल कमेटी भाग लिता हो वह नहीं बदल सके हैं, साढ़े 35 तो बद लाइक नहीं होते तो कुड़ी इंज करके इंज सोशल मीडिया से आई डी बना दी उन्हें इंज लाइक बद देने, दूजे हफ्ते वेखो कुड़ी का हाथ आईफोन होंगे वो भी 14 प्लस, ये कैसे है? ये इसी वजह से है हमारा मुआशरा
मुकम्मल तौर पे वो अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। आपके नज़दीक सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है या एक नेगेटिव चीज़? देखें जी, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है। हर बंदे की ज़िंदगी के दो पहलू, जिनके मकसद है ज़िंदगी, मैंने कहा एक राइट हैंड है एक लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड से आप खाना खाते हो ना तो उसमें बरकत है, लेफ्ट हैंड हमारा इस्तेमाल करने से हमारा इस्लाम कहता है नहीं यार अंदर जी बरकत नहीं है, ठीक है, ये शैतान ही है, ठीक है। बात कहने का मकसद है हर ज़िंदगी के हर इंसान के दो मकसद है, ठीक है। अब हर चीज़ बनाई गई है उसको आप पॉजिटिव यूज़ करते हो या नेगेटिव यूज़ करते हो वो आप पर डिपेंड करता है और आप अपनी सोच को कहाँ लेके जाते हो। आखिर में ये बताएं, हुकूमत डिजिटल जो कंटेंट है और जो न्यूज़ है चैनल्स हैं इनके ऊपर मतलब चेक एंड बैलेंस जगह सोशल मीडिया पर नहीं रखते? मेरे ख्याल में ना हमारी जो जो हुकूमत है ना, जो हुकूमत इस मुल्क की शराह को इस मुल्क की महंगाई को कंट्रोल नहीं ना कर सकती, ठीक है, वो किसी ने कंट्रोल कर सकती। जो एक माँ अपने बच्चों एक अपने बंदे नहीं ना कंट्रोल, यानी कि एक माँ बाप जो है ना अपने घर को नहीं ना कंट्रोल कर सकता, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो कैसे दाएं बाएं के माहौल को कंट्रोल करेगा, अपने बच्चों को कैसे संभाल सकता बुराइयों से। तो यही बात एक हुकूमत की है कि हुक्मरान बैठे हुए हैं, हर बंदा जो आ रहा है समझ नहीं आती हर चीज़ घूम के हुक्मरान पे क्यों आती है, जैसी माँ वैसे हुक्मरान पे सुना हुआ है ना, वो हकीकत है। हुक्मरान मैं कह रहा हूँ हुक्मरान का कब कसूर है? अब हुक्मरान हूँ मैं कहाँ जी, मैंने इतने जरा ठंड लगती मैं स्वेटर नहीं मैं पाना, आप मैंने हुक्मरान ने स्वेटर नहीं दिता, ऐ तो नहीं हो सकता हुक्मरान से पा दें कि मैं कहाँ हूँ इमरान खान ने मेरे स्वेटर से पैसे देने तो मैं स्वेटर नवा लेना, इंज तो नहीं हो सकता ना। अच्छा उन्होंने आवाम के लिए कोई पैगाम दे जिस तरह की फेक थंबनेल आवाम के लिए पैगाम यही है सर कि आप हमेशा अच्छी सोच रखें, ठीक है, खुद को यानी कि किसी खुशियाँ दें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, किसी को दुख और तकलीफ मत दे। ये भी बात याद रखिएगा, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। अगर आज किसी को तुम दुख देते हो तो कल को याद रखना कि आप भी दुख में मुब्तला हो सकते हो। हमेशा अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, नेकी के बदले नेकी है, ये मैं नहीं कहता, हमारा कुरान कहता है, मेरा अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यही कहूँगा, अपना और अपनी नज़रों को महफूज रखें, अपनी माँ बहनों की इज्जत को महफूज रखें, उनको पर्दा करने की तलकीन कीजिए और उनके साथ अच्छे से अच्छे यानी कि बिहेवियर कीजिए ताकि आपका मुआशरा बहुत अच्छा हो सके और हमारा मुआशरा हर लिहाज से बहुत अच्छा और एक इस्लामी यानी कि जो है ना यानी कि इस्लामी कंट्री हो जिसका नाम यानी कि जिसका मतलब ही क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो लोग जो गलत न्यूज़ फैलाते हैं और वो लोग जो उस पर यकीन करके आगे फॉरवर्ड करते हैं उन्हें चाहिए सबसे पहले उस खबर की तस्दीक करें फिर आगे फॉरवर्ड करें, और हुकूमत को भी डिजिटल मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। इसके साथ अपनी हौसला सहर अमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेवान।